तुम्हारी शॉर्ट फिल्म देखी मैंने, 20 मिनट में 20 युगों का ज्ञान है, इसीलिए तुम पर पैसे लगा रहा हूँ। नाम मत खराब करना। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो एडवांस भी लाया हूँ, 101 रुपए का शगुन है। आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? एक सुपर हिट फिल्म बनाकर तुम्हें जो भी हीरो चाहिए बताना, मैं एनएसजी से लड़के मंगवा लूंगा। हीरो के हिसाब से तो कई स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं सर, पर मेरी कहानी एक विलन की है। फिल्म में हीरो नहीं है क्या? हीरो है ना सर, फिल्म का विलन ही मेरा हीरो है। ये ले भाई, तू ही पढ़, अपने से ये सब नहीं होता। तो महान है भाई, इसने कैरेक्टर नहीं छोड़ा यार, दाऊद से लेकर वीरप्पन, गली का गुंडा, सब पे पिक्चर बना चुका है। सलीम हटेला कैसा रहेगा? जो डॉन चर्चे में नहीं है उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ, अंडरवर्ल्ड का कोई उभरता हुआ डॉन होना चाहिए। ये काम तो तेरे मामा से ही हो पाएगा। ये क्या बकवास है, गुंडे मवालियों पर फिल्म बना के उन्हें हीरो बनाना चाहते हो? पता है समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? वैसे तुम एक जर्नलिस्ट हो ना, फिर इतनी घटिया सोच कैसे रखते हो? यार पाटिल ये बहुत जिद कर रहा था, इसलिए तुमसे मिलाने यहाँ चला है। एटनबरो की गांधी दुनिया भर में चर्चित फिल्म थी, क्या लोग गांधी बन गए? फ्रीडम फाइटर्स पे भी कितनी फिल्में बनती है, क्या सभी लोग देशभक्त बन गए? सिनेमा हमें बदलता नहीं है सर, एंटरटेन करता है। दुनिया अगर सुधरना चाहे तो ही सुधर सकती है सर, मैं चाह के भी फिल्मों से उसे सुधार नहीं सकता। गुड, मैं विष्णु वडाला को जानता हूँ, वो तुम्हारी मदद करेगा। वाह विष्णु वडाला। चलिए स्टॉप आ गया, उतरो उतरो। वाह क्या सीन है, यहाँ हमारे कदम बढ़े, वहां मैयत आगे बढ़ी। व्हाट अ फ्रेम, व्हाट अ शॉट, जरूर विष्णु भाई ने इसे ऊपर पहुंचाया होगा। अरे बॉस, ये विष्णु भाई का नया शिकार कौन है? विष्णु भाई किसी ने टपका दिया। विष्णु वडाला तो चला गया, एक काम कर, नाना नायगांव पे पिक्चर बना दे। सॉरी विष्णु भाई, क्या हुआ, क्या सोच रहा है तू? मरने वाले के बारे में सोच रहा है? मैं मारने वाले के बारे में सोच रहा हूँ। विष्णु जैसी तोप को उड़ाने वाला खुद एक न्यूक्लियर मिसाइल से कम नहीं होगा। ए उसे बाहर निकालो, उसे बाहर भेज, आए वो बाहर भेज, उसको बाहर निकालो, उसे बाहर भेज, और निकलो तो या नहीं, बाहर निकालो, बाहर भेज उसे। अरे भाई सुन, ये सब क्या हो रहा है? दगड़ू वेंकटेश की किसी ने जीते जागते चिता जला दी, अब उसके आदमी उसके कातिल को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। विष्णु वडाला का मर्डर इस बुड्ढे ने नहीं किया है, ये तो कोई ढोंगी बाबा है जिसने मर्डर होते हुए देखा है। इसे अंदर इसलिए रखा है ताकि पब्लिक इसका गेम ना बजा डाले। अभी ये तो कब्रिस्तान से भागा हुआ लग रहा है। सुनो अघोरी बाबा। हेलो हेलो लोबान वाले बाबा, लगता है चर्सी है, अंटा मार के सोया। बाबा ये विष्णु वडाला को किसने मारा, आपने देखा क्या? उसको किसने मारा ये तो नहीं पता, लेकिन इसको जरूर किसी ने मारा है, लगता है गंजेड़ी है। गांव के उत्तर की ओर जब भरी दोपहर में सूरज आग उगल रहा था, तभी एक हिरन जान बचाकर भागा और उसके शिकार के लिए एक शेर निकला। उसके सांस लेने से हवा थर्रा जाती है, तूफान रास्ता बदल लेता है, धरती पे पांव रखते ही भूकंप आ जाता है। वो मामूली इंसान नहीं, अलग मिट्टी का बना है। Come on.
बस मुझे आखिरी बार माफ कर दो। कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, इस गांव से कहीं दूर चला जाऊंगा। इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। चुप, गुंडे के नाम पे कलंक है तू। तेरे जाने से तेरा वजूद भी खत्म हो जाएगा, लोग थूकेंगे तुझ पर, मरेगा तो अमर हो जाएगा। मुझसे गलती हुई, मेरी सारी की सारी दौलत ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। अरे पागल, ये रुपया पैसा तो हाथ का मैल है रे, इसलिए मैंने डर और खौफ कमाया है, जो तेरी आंखों में साफ दिख रहा है। ये खौफ मुझे खुशी देता है। ए काशी, अपनी ख्वाहिशें कितनी नन्ही मुन्नी है रे। भाई मेरे को अपना थामा दो, मैं इसको थल्ली थल्ली कर दूंगा। ए कारतूस, शांत, इतना गुस्सा नहीं। इतना क्या थोक लो, थोक डालो इन गंदाल को, नहीं तो बोलो मैं थोक डालता हूँ। ये बता, इस इलाके का गुंडा तू है या मैं? ताली भाई, बस एक मौका दे दो, मैं तुमसे जान की भीख मांगता हूँ। क्यों बे, मेरे सामने मेमना बन के भोलेपन का नाटक कर रहा है तू, और मेरे पीठ पीछे खूंखार भेड़िया बन जाए? क्या बकरा था ये? हाँ, गणिया को मैं अपने इशारों पर नचाऊंगा। आज तू नाचेगा, समझा? और मैं देखूंगा। ऐसा वैसा डांस नहीं, छम्मक छल्लो वाला डांस। वो बीड़ी वाला कौन सा गाना है? हाँ। ये आंदोलन वाली पब्लिक कहाँ गई? जैसे ही हमें खूनी का नाम पता चला, हमने उन्हें बता दिया और वो यहाँ से चले गए। उसका नाम क्या है सर? गणेश। गुंडों के लिए संदेश। ये क्या 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 कर रहे हो? अरे मेरा बैग, मेरा बैग। ये बैठ रहे, ये चल रहे, चल गुंडा पली, चल चल निकल भाई। ये छिलेली मुर्गी को ले आ, काट डालो इसको। ये छुपा छुपी क्यों खेल रहे हो? अबे सवाल जवाब बंद कर। Surprise! Welcome to Gundapalli. अबे किशोर कुमार, सही पहचाना। आज भी मैं टॉयलेट में गाना गाता हूँ और साइड में मैं कच्ची इमली का बिजनेस भी करता हूँ। मेरी आवाज और मेरी कच्ची इमली दोनों में ही खट्टापन है। इमली लोगे क्या? कैसा लगा इंट्रो? तेरी इमली के जैसा एकदम खट्टा। खामोश। इमली से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। मेरी गर्लफ्रेंड भी खाती थी। क्या बोला? तू छुप छुप कर किसी भी एंगल से गणिया की फिल्म बनाएगा? अबे अगर तुझे फिल्म बनानी ही है तो कोई माइथोलॉजिकल फिल्म बनाना जहां देवियां नृत्य करें। अरे ऐसी फिल्में बहुत चलती है, फैमिली साथ में बैठ के देखती है। चीयर्स। गणिया पे ही फिल्म बना, सही टॉपिक है। वो इंसान नहीं कीड़ा है, तुझे पता है? एक दिन उसके खेतों में बकरी का बच्चा घुसाया तो गोली और कढ़ाई में भून दिया। ये क्या कर रहा है? जो कुछ तू बोल रहा है वो इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अबे पागल है क्या? उस बकरी के बच्चे को उसने गोद ले लिया, और तो और गणेश भाई ने उस बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया और अब वो सरकारी नौकरी कर रहा है। तेरी फिल्म के चक्कर में मेरी पिक्चर बन जाती। गुंडापल्ली गणेश, जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह तक कांप जाती है। किशोर कुमार उसकी फिल्म में सेकंड हीरो बनने से बहुत ही ज्यादा डर रहा है। इतना बड़ा ब्रेक कैसे छोड़ सकता है? सेकंड हीरो, वो भी मैं? और क्या, कोई शक? आज पता चला सिर्फ शक्ल से नहीं बल्कि टैलेंट से भी काम मिलता। तू सच में मुझे सेकंड हीरो लेगा? बिल्कुल। तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर पे एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई,
इमली बेचने वाला टैलेंट बेचने लगा। वो टिकटॉक पे वीडियो बनाता, सोशल मीडिया में उसके फॉलोवर्स बढ़ गए, लोग उसकी अदाओं पे जान छिड़कने लगे। जब शूटिंग में काम नहीं होता तो वो दुकान पर बैठकर इमली बेचने लगता। उसका नाम था द ग्रेट किशोर कुमार। अगर गणिया बारूद का सैलाब है तो मैं भी पेट्रोल का जलजला हूँ। दिन ब दिन महंगा हो रहा हूँ, मुझ पर किसी का कंट्रोल नहीं। पर मुझे तो एक्टिंग आती ही नहीं, मैं सेकंड हीरो बन जाऊंगा ना। आज तुम लोगों के लिवर में जितना दम है उतना पियो, जो दिल है खाओ, जितना दिल है खाओ। ये पार्टी मेरे जेल से छूटने की खुशी में है। चीयर्स। ए, कुर्सी हटा रे, चल चल बाजू हट, चल भाई आ रहे हैं। हाँ बिछा, इधर बिछा। ए, मेरे से बड़ी कौन सी तोपची है इधर।